कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सीएम मनोहर लाल यमुनानगर के कपाल मोचन तीर्थ स्थल पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कपाल मोचन स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर इसके बाद मुख्यमंत्री ने कपाल मोचन तृणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, यहां से प्राचीन कथाएं जुड़ी हुई हैं। व्यास जी ने वेदों की रचना की थी, इस जगह पर गुरु नानक और गुरु गोविंद जी दोनों का आगमन हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में सरोवर में स्नान कर पापों से भी मुक्ति पाते हैं। तो ये तस्वीर आप यमुनानगर की देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सूरजकुंड सरोवर पहुंचे हैं। ऐसे में स्थल पर धार्मिक और ऐतिहासिक उन्होंने महत्व बताया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर रखे गए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में सरोवर में स्नान करने पर पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो वैसे में यमुनानगर की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम ने गुरु नानक पर्व के अवसर पर यहां पर शिरकत की है। सभी लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं। स्थल का धार्मिक और महत्व उनके द्वारा यहां पर बताया गया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका है। तो ये यमुनानगर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर मनोहर लाल ने कपाल मोचन स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कपाल मोचन त्रिमोचन और सूरजकुंड सरोवर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। की मान्यता धार्मिक मान्यता भी है, ऐतिहासिक मान्यता भी है और बहुत ही प्राचीन यहाँ कथाएं जो यहाँ से जुड़ी हुई है उसके अंदर ऐसा कहते हैं कि व्यास जी ने इसी क्षेत्र में वेदों की रचना की। आदि बद्री का ये क्षेत्र सरस्वती नदी का प्रवाह यहाँ से चलता था और यहीं पर कहा जाए कि गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका दोनों का भी यहाँ आगमन हुआ था। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और कार्तिक मास की पूर्णिमा का पर्व बहुत पवित्र पर्व होता है। ये स्थानों पर पवित्र नदियों पर सरोवरों में जा करके स्नान करके और सब लोग अपने पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। बहुत बड़ी मान्यता यहाँ की है। पिछले साल यहाँ कोरोना के कारण से ये पवित्र पर्व नहीं मनाया जा सका था
लेकिन उस बार फिर हमने कोरोना की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाने की फिर से छूट दी थी और लाखों लोग यहाँ आए हैं। आज देव दीपावली का भी दिन है। देव दीपावली जो सामान्य दीपावली होती है अमावस्या के दिन उससे ठीक 15 दिन देवों की दीपावली होती है। आज देव दीपावली का भी दिन है। एक ऐतिहासिक दिन, कई ऐसे पर्व आपके माध्यम से इन सब पर्वों की मैं हरियाणा की जनता को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बंधुओं, हम लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत चीजों का विकास किया। इसमें कपाल मोचन क्षेत्र के अंदर भी जब जब जो चीजें हमारे ध्यान में आई वो हमने कराई है। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि बद्री स्थान तक सड़क, इसको भी कुछ 4 मार्ग की बनी है, 4 मार्ग की बन गई है और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर का टुकड़ा वो बचा है, उसको भी पूरा करेंगे। इसी प्रकार से कानगढ़ रामपुर गेंडा की यह सड़क, अहड़वाला में राजकीय महाविद्यालय, हिंदू दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, गुरु दर्शन यात्रा, गौरवमयी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कुरुक्षेत्र का हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, ऐसे बहुत ऐसे कार्यक्रम हमने किए हैं जिसमें देश की सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो बची रहे और ऐसे तीर्थ स्थानों के दर्शन जनता को सुलभ हो जाए, इस प्रकार की हमने योजनाएं बनाई है। कुरुक्षेत्र को हमने विकसित किया और एक जिसको कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो हमारा सांस्कृतिक केंद्र बना है। ऐसे भी इन स्थानों पर यहाँ भी आसपास जैसे हमारा ये स्थान समालोचन है, बिलासपुर है, आदि बद्री स्थान है, लोहगढ़ है और मंत्रा देवी मंदिर है, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान है जो आसपास है। यहाँ हनुमान मंदिर, पंचमुखी के हनुमान मंदिर है, कोई बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। तो ये जो आसपास के क्षेत्र को सबको जोड़ते हुए और कलेश्वर से और कालका ये मार्ग, इसको तीर्थाटन का भी यानी तीर्थ यात्री यहाँ आए और हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र भी यहाँ बहुत है। तो ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर विकल्पन करने वाले हैं। मोरनी हमने शुरू कर दिया है, कलेश्वर हमने शुरू कर दिया है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा बनाया जा रहा है। आज भी संतों ने कुछ मांग रखी है, डिप्टी कमिश्नर को मैंने बताया है कि उन सब चीजों पर विचार करके कोई यहाँ का प्लान बनाए और प्लान बना करके जैसा यहाँ के बारे में बताया जाएगा वो करेंगे। यहाँ एक स्कूल बताया, उसकी जानकारी नहीं है, उन्होंने मंजूर कर दी है कि स्कूल की जानकारी बनाई जाएगी। उस स्कूल की संबद्धता अगर कोई अड़चन नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी संबद्धता भी हमारा शिक्षा विभाग उसके साथ की जाएगी, ताकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल क्षेत्र में, यहाँ के लोगों को रोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन, सब चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। तो मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। ये जो मिथ आपने बताई है, मुझे जानकारी दी गई है कि 1970 के बाद यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। पहले यहाँ हरियाणा के, पंजाब के मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन 1977 के बाद कोई आया नहीं है। जब मुझे ये पता लगा और असम ने पहले ही मुझे पता लगा तो मैंने निर्णय किया कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं 19 तारीख को प्रातःकाल, आज मैंने 2 बैठक अपनी कैंसिल करके और स्पेशली कपाल मोचन की पवित्र त्यौहार पर दर्शन करने के लिए आया हूँ पंचप्राणी बने की। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे पहले मुझे बताया गया था कि मधुबन ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं गया पिछले 30 सालों से लगभग, वहाँ भी मैं 3 बार जाके आया हूँ और कपाल मोचन में भी आज तो मैं मेले के अवसर पर आया हूँ। एक बार मैं बीच में ही पहले आके जा चुका हूँ, आदि बद्री जाते समय एक बार मैंने दर्शनी आंखों समय की है। लगातार जब ये मेले की शुरुआत होती थी और मेले के अंत तक कई प्रकार की व्यवस्थाओं में शिकायतें बनी रहती थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, यहाँ के सुप्रीम पुलिस को, जिन्होंने इस बार की तैयारियाँ बहुत अच्छी कराई। पानी भी पर्याप्त मात्रा में सभी स्रोत में भरा गया और कोई शिकायत हमारे पास इस अवसर में नहीं आई है। जहाँ तक किसी एक समय की अधिकतम जो यात्री संख्या है, जो दर्शनार्थी संख्या है, वो 2 लाख तक आती गई है। 3 लाख लोगों का आना जाना ये लगातार लगा हुआ है। लेकिन कल सायकाल का जो पवित्र इस त्योहार की जो सायकाल होता है, जब रात्रि मध्य रात्रि को लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे 2 लाख की संख्या दर्शनार्थी थी। इससे पहले बहुत लोग दर्शन करके वापस भी जा चुके हैं। बहुत अच्छा सफल ये कार्यक्रम रहा।